3, 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 होगा? तो 78 एल यानी एन, ए यानी 3 और डी यानी 5 में से 3 घटाव करेगा, तो 5 में से कितना घटाव करना है? नहीं, 8 में से 3 घटाव करेंगे तब 5 मिलेगा। तो आप समीकरण लिख दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 78 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, तो आपका एन बराबर 16 आएगा। सॉल्यूशन करेंगे ना। इसका पांचवा सवाल में दो है, 7 13 19 डॉट 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 205 205 आप समझ लेना, कॉमा करके दिया हुआ है लास्ट में डॉट डॉट करके। तो ए बराबर 205, एन बराबर ए बराबर 7, डी बराबर 13 माइनस 7 तो 6 आएगा। तो 205 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, तो ये 7 को इधर ले जाएंगे 198 आएगा, एन माइनस 1 इधर रखेंगे तो 6 नीचे जाएंगे तो 33 आएगा, एन माइनस 1 बराबर 33 एक जोड़ेंगे तो 34 आएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आपका एन बराबर 34 आ जाएगा पहले का, दूसरे का आंसर आ गया। अभी आपका दूसरे का दूसरा सवाल भी मैंने लिख दिया है थोड़ा कंफर्म करने के लिए, कि 18 15 सही 13 47 है। ये भी एग्जाम्पल समझा ही दिया है कि ए बराबर 7, आप देखो ए बराबर 7 नहीं, ए बराबर आपका 18, डी बराबर 15 सही 1/2 -18 बना दो 31/2 18 36 में से 31 करेंगे तब 5/2 माइनस में 5/2 आएगा, लसा पर निकालना 2 से आपको आ जाएगा, तो आपका -5/2 और अंतिम पद है एल बराबर -47, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल एल 40 -47 बराबर -5/2 एन माइनस 1 इंटू डी का -5/2 लिख देना। फिर से एक बार, -47 बराबर 18 प्लस एन माइनस 1 कोष्ठक डी का मान रखो -5/2, ये 18 इस साइड जाएंगे तो -65 होगा, बाई साइड जाएंगे तो 65 माइनस में है और प्लस इसको गुणा करना है, 65 × 2/5 माइनस में -5/2 इस साइड जाएगा तो 65 -65 × 2/5 तो 13 × 5 करेंगे तो 65 आएगा, 13 × 2 करेंगे तो 26 आएगा एन माइनस 1, ये 1 इधर जाएंगे तो 27 आएगा, एन बराबर 27। अभी आपका छठा एग्जाम्पल, 11 8 5 2 का कौन सा पद 150 हो सकता है? दोबारा आया, ए बराबर 11, डी बराबर 8 माइनस 11 मतलब -3, एन बराबर -150, ए एन बराबर एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इस तरह से लगता है आपको कि एक ही टाइप का एग्जाम्पल है, साहब क्यों समझा रहे हैं, लेकिन आप प्रत्येक एग्जाम्पल गौर से देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सभी एग्जाम्पल कहीं ना कहीं अंतर है, अलग टाइप का है,
सिर्फ पांचवी में, पांचवा सवाल में दो टाइप का आया है, एक ही टाइप का, बाकी चौथा देखो, पांचवा देखो, छठा देखो, सबका प्रश्न उसने का जो है ये रीति अलग है, बाकी आपको समझ में आ जाता है तो एक भी एग्जाम्पल गलत नहीं होगा। जैसे छठा एग्जाम्पल है, आगे का एग्जाम्पल बटे में था, ये है सिंपल है, तो माइनस 150 बराबर 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, समझ में आया लास्ट में। अभी इसका ये जो 11 है इस साइड ले जाओ, मतलब 150 प्लस 11 माइनस ही आएगा आंसर, माइनस 150 माइनस 11 दोनों का योग माइनस 161 बराबर माइनस 3 इंटू एन माइनस 1 माइनस 3, इसको बटे में ले जाओ, मतलब 161 माइनस 161 बटे में 3 बराबर एन माइनस 1, 1 इस साइड ले जाओ, मतलब माइनस 161 161 बटे में 3 प्लस 1, मतलब हूँ था क्या होगा 3 लसे पर 3, मतलब 161 में 3 जोड़ेंगे तो 164 बटे में 3, मतलब एन बराबर 164 बटे में 3, ये लसे पर निकाल के किया हुआ है, ये जो मैंने किया है आपको जोड़ के दिया हुआ है इधर, है ना, 161 प्लस 3 बटे में 3 164 बटे में 3, एन बराबर आपका 27 आएगा। थैंक यू।